लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, हम आज बात करने जा रहे हैं कि लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है और इसके कारण उनका पूरा जो दिनचर्या रहती है पूरी दिनचर्या बाधित हो जाती है। दर्द से वो हमेशा परेशान रहते हैं, काम करने का तरीका बदला है, लाइफस्टाइल बदली है, बैठने के तरीके बदले हुए हैं, जैसे दिन भर कंप्यूटर पर काम करना, लैपटॉप पे काम करना, उसका अलाइनमेंट बराबर न रखना, आंखों के बराबर न होने की वजह से सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है, लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है, पूरी की पूरी बैकबोन में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। कई तरह की दवाएं खाते हैं फिर भी उसमें कुछ विशेष उनको लाभ नहीं मिलता है। योग में इसका समाधान है। कैसे समाधान किया जा सकता है बस जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी कभी आपको सर्वाइकल पेन हो तो उसमें नेक की जितनी एक्सरसाइज होती है यानी कि गर्दन से संबंधित जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं उनको बस 2-3 रिपीटेशंस कर देने से आपको बड़ा आराम मिल जाएगा। यदि आप नियमित रूप से इसको करते हैं तब तो आपको इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। हम बता रहे हैं कि नेक की प्रॉब्लम जिनको हो रही है तो उनको सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, सीधा रखने के बाद चिन अप करें और फिर सामने देखें, चिन अप सामने, चिन अप सामने। उसके बाद की एक्सरसाइज है साइड टू साइड, बड़े आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद की अगली एक्सरसाइज है गर्दन के दाहिने तरफ और बाएं तरफ, दोनों ओर एक के बाद एक करके आप अपनी गर्दन को एक्सरसाइज दे सकते हैं। और ये तो हो गए छोटी छोटी एक्सरसाइजें, और इसके बाद की जो एक्सरसाइज है पूरा रोटेशन गर्दन का, इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है वो फुल रोटेशन न करके शोल्डर टू शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं। पहले चिन अप किया, राइट शोल्डर गए, लेफ्ट शोल्डर, अगेन राइट शोल्डर, वापस लेफ्ट, इस तरह से 10 से 12 बार आप कर सकते हैं। पूरा सर्कल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जैसे ही गर्दन आपके नीचे की तरफ जाएगी आपके गर्दन में थोड़ी सी जो सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए उससे बचें। अगली एक एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, जब आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम फील हो, आप ऑफिस में चेयर पे भी बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, वहां भी इसको कर सकते हैं। बहुत सीरियस एक्सरसाइज है, सरल सी है। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, सर के पीछे ले जाके क्रॉस फिंगर करिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रीदिंग्स के साथ ब्रीदिंग किया और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लीजिए, पूरी सर्वाइकल रिलैक्स फील करेगी। फिर से इसको करिए, ब्रीदिंग किया, जब तक ब्रीदिंग होल्ड हो रही है आपकी सांस, सांसों के होल्डिंग तक आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है कानों के ऊपर हाथ रखें और इसमें भी ब्रीदिंग के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर। दूसरी तरफ एक लास्ट में एक बार फिर से दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, ब्रीदिंग के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लीजिए, बहुत आराम मिलेगा, इंस्टेंट पेन रिलीफ आपको मिलेगा, दवाओं से फास्ट आपको इसमें आराम मिल सकता है। तो आप इसको नियमित कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बस खड़े हो तो सीधे खड़े रहिए, दोनों पैरों पे बराबर, टेढ़े मेढ़े मत खड़े होइए, और यदि आप चेयर पे बैठे हैं तो बिल्कुल जो पॉस्चर प्रॉपर होता है बैठने का उस पॉस्चर पे बैठिए। आप वॉकिंग कर रहे हैं तो उठ के बैठ जाइए, किसी भी तरीके से बैक बोन का अलाइनमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। आज सर्वाइकल के दर्द को कैसे
ठीक किया जा सकता है उसके बारे में हमने चर्चा किया। हम कल लोअर बैक के बारे में भी बात करेंगे कि लोअर बैक यानी कि अगले एपिसोड में हम लोअर बैक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।